मेरे मसीह भाई बहनों, आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वो सब मिलेगा। जी हाँ, ऐसा प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जो कुछ मेरे पिता से मेरे नाम से मांगोगे उसको सब कुछ मिलेगा। लेकिन मांगना कैसे है, मांगना हमें कैसे है जो हमें मिलेगा? उनके इच्छा के अनुसार। जी हाँ, आप अपने इच्छा के अनुसार नहीं। अगर आप मांगिएगा कि भाई हमको जो है मोटर गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, बंगला मिल जाए और खूबसूरत एक सुंदर सा परी सा जैसा महिला मिल जाए, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। मेरे मसीह भाई बहनों, आज में हम आपको बताएंगे कि जो कुछ आप परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर की इच्छा से मांगेगा तब आपको मिलेगा। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, अगर हम परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में प्रबल करते हैं, लागू करते हैं कि प्रभु यीशु मैं आपकी इच्छा के अनुसार जीना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं आपकी इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूँ, मैं आपके वचनों पे मनन करना चाहता हूँ, मैं आपके वचनों को सीखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ आपने क्या क्या बताया है, मुझे कैसे जीना है, कैसे क्या करना है, तो आप परमेश्वर का संतान कहलाएंगे। और जब परमेश्वर का संतान कहलाएंगे मेरे मसीह भाई बहनों, तो आप जो कुछ मांगिएगा उस पिता से वो देगा, क्योंकि आप उनकी इच्छा के अनुसार मांगेंगे तभी मिलेगा, मिलता है। आह जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया था, एक रात पहले उन्होंने प्रार्थना किया था। ये वीडियो देखिए मेरे मसीह भाइयों, उन्होंने प्रार्थना में वो क्या मांगा था प्रभु यीशु मसीह, ये रहा वीडियो देखिए। हे पिता, अगर आप चाहें तो ये प्याला मेरे पास से हटा लें, तो भी मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। मेरे मसीह भाई बहनों, आपने देखा यीशु का वचन क्या कह रहा है कि पिता मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। जी हाँ, जब आप मुसीबत में हो, जब आप दुख में हो, जब आपको खूब रोने का मन करे, जब आप खुशी में हो, तो मेरे मसीह भाई बहनों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रार्थना करिए, तो यह प्रार्थना कीजिए कि प्रभु यीशु परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो। जी हाँ, आपकी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में, जो मैं करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल ना हो, जैसा आप चाहते हैं वैसा मेरे जीवन में हो। मेरे मसीह भाई बहनों, उसी समय आपके जीवन में ब्लेसिंग शुरू हो जाएगी और परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा। जब तक हम अपने आप को सरेंडर नहीं करते हैं, अपने आप को समर्पण नहीं करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामने नहीं रखते हैं, तब तक परमेश्वर का इच्छा पूरा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग संसार के अनुसार, संसार के विधि के अनुसार, संसार के जैसे लोग जी रहे उसके अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मिकता के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताइए। जिस दिन आप परमेश्वर का वचन के अनुसार जीवन बिताना शुरू करते हैं, उसी समय आप प्रार्थना में जो मांगते हैं परमेश्वर जानता है कि आपकी आवश्यकता क्या है और वो आवश्यकता को पूरा करता है। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, अगर यह वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि मैं प्रतिदिन वीडियो डालता हूँ, इसी प्रकार का गाना डालता हूँ, सॉन्ग डालता हूँ। बहुत सारे भाई जो हैं हमें कमेंट करके नीचे कहते हैं, भाई आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए काहे बोलते हैं। मेरे भाई, मेरे बहन,
मैं इसलिए बोलता हूँ कि जब मैं वीडियो डालूँ जो सिचुएशन जो मैं आपको बताऊँ, जो आत्मिक सॉन्ग डालूँ, जो प्रार्थना वाली वीडियो डालूँ या कुछ ऐसी मैसेज डालूँ, तो आपके मोबाइल पे सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप उसको तुरंत खोलकर सबसे पहले देखना पाए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए कि आपसे कोई वीडियो हमारी ना छूटे और आप देख सकें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुदा आप सबको आशीष दे, आमीन।